हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाना में न्यू विलेन की एंट्री हो चुकी है और अब वो सीरत के साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। पहली ही झलक में यानी पहली ही सीन में इस कोच को इस तरह से दिखा दिया गया, उसकी असलियत दिखा दी गई है शो में कि वो लड़कियों का गलत इस्तेमाल करता है और गलत फायदा उठाता है उनका और उनको नेशनल लेवल के सपने दिखाकर उनके साथ क्या क्या करता है। अब यहाँ पर सीरत जो कि बहुत सीरियस है अपने टारगेट को, अपने करियर को लेकर और अब बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, अब उसी के साथ में कुछ ऐसे हरकतें करते नजर आएगा और यहाँ पर बहुत ही बड़ा तूफान सीरत लाने वाली है। दरअसल यहाँ पर अब कार्तिक और सीरत इसको बेनकाब करेंगे इस कोच को कि ये लड़कियों के साथ कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। अब सीरत जब कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचेगी, वहां पर एक लड़की जिसको पहले से ये परेशान कर रहा है कोच और कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है और अभी ये लड़कियां नेशनल लेवल के सपने देखने की खातिर कुछ भी कर देती हैं, लेकिन अभी जो लड़की आई है और जिसको परेशान किया जा रहा है वो ही सीरत के सामने रोती हुई नजर आएगी और सीरत के सामने सच्चाई आएगी कि ये कोच बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुम्हें भी नेशनल लेवल के सपने दिखाकर ऐसा कुछ कर रहा है। सीरत के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेगा और फिर सीरत तो क्या करने वाली है हम सभी जानते हैं। भाई ये सच्चाई अब यहाँ पर सीरत जहाँ पर इस जाल में फंसने ही वाली होगी, कार्तिक भी सीरत की मदद करने वाला है लेकिन उससे पहले ही सीरत इस कोच का बहुत बुरा हाल करने वाली है। तो ये ड्रामा थोड़े दिन चलने वाला है कि जब सीरत के सामने इस कोच की असली सूरत आएगी। तो भाई आने वाले एपिसोड अब यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स लेकर आने वाले हैं, जहाँ पर एक तरफ कायरव भी सीरत को माँ बनाना मम्मी को के रूप में अब देखना चाहता है कि मेरी माँ बन जाए वो, और वहीं पर रिया नए सपने देख रही है, अलग ही सपने देख रही है कि वो कार्तिक की पत्नी बन जाए। बेकार कुछ हमें देखने को मिलेगा, तो आप कितना एक्साइटेड इन सबको देखने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।